और तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा हो जिसे सोचकर मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ। लामिया कॉलेज पिशावर मेरी जिंदगी में उस ईंट का मकाम रखती है जो एक शख्स घर बनाने के लिए सबसे पहले रखता है। Was invited by my juniors at their welcome and farewell party at HST hostel. So we'll share that moments too. But then I decided to make a vlog on Islamia College and its life. So let's start the video. Hey, I'm sharing my experience about Islamia College Peshawar. और आप भी comments में बता सकते हैं कि आपका किस तरह experience रहा Islamia College में. और आने वाले student भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं. So be with me until the last of the video and enjoy this 2 years journey with me in a short clip. Did I spend it here? Were full of joys, struggles and success. जब मैं इस्लामिया कॉलेज के सामने गुजरता था तो मैं यही सोचता था कि वो कौन से लोग होंगे जो इस्लामिया कॉलेज भी आ जाते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स डॉक्टर भी बन जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे आई एम वन ऑफ अमंग देम. इस्लामिया कॉलेज में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ तरक्कियाँ भी की और बहुत सी शरारतें की और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पढ़ाई की. पहले ज़्यादा नंबर लेने के बाद मैं इस्लामिया कॉलेज आया. यहाँ आकर हॉस्टल का डर और फूलिंग का डर भी था. तो इससे पहले इस्लामिया कॉलेज से जब नहीं आया था उससे पहले मैंने कभी हॉस्टल में एक रात भी नहीं गुजारी थी और ना ही घर से बाहर. लेकिन कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम यू हैव टू सैक्रिफाइस, और मैंने वही किया. और यहाँ आकर मैंने अपने आप को पहचाना, अपनी सेल्फ स्टडी की एबिलिटी को पहचाना और इतनी नादानी की उम्र में मुझे अपनी फ्यूचर की फिक्र होने लगी. यहाँ मैंने कंपटीशन के लफ्ज़ को पहचाना क्योंकि इस्लामिया कॉलेज सुबह भर के टॉपर्स आते हैं एंड इट्स नॉट इजी टू कॉलेज ऑन ओपन मेरिट. फर्स्ट ईयर का दौर तो सिर्फ पढ़ाई में गुजरा, कोर्स कंप्लीशन की टेंशन और फिर एग्जाम की टेंशन. फर्स्ट ईयर में हमें किसी ने नहीं बताया था कि कोर्स हम कैसे कंप्लीट करेंगे और कहां से कंप्लीट करेंगे. तो ना तो हमने कुछ मज़े ही किए और ना ही इस्लामिया कॉलेज को एंजॉय किया. एक साल तो बस इसी तरह टेंशन में गुजर गया. हम पर पूलिंग भी हुई, सीनियर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे और उनसे पूछते भी थे कि हम कोर्स कैसे कम्प्लीट करेंगे, मगर किसी ने नहीं बताया कि कोर्स कैसे कम्प्लीट करना है. और इसी तरह बस चलते चलते इस्लामिया कॉलेज का फर्स्ट ईयर गुजर गया और फिर एग्जाम के बाद अच्छे नंबर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गए. सेकेंड ईयर स्टार्टेड. सेकेंड ईयर के दौर में तो हमने सबसे पहले खूब मज़े किए, खूब बदमाशियाँ भी की, लोगों पर फूलिंग भी किए. दो तीन महीने तो हमने कुछ नहीं पढ़ा. फिर हमने YouTube से सारा कोर्स कम्प्लीट किया क्योंकि यहाँ तो कोई क्लासेस लेता नहीं है, अगर लेता भी है तो फिर चोड़ना भी रही है, आउटसाइडर्स बन जाते हैं. मगर इस्लामिया कॉलेज आपको एक शख्सियत बना देता है, एक ऐसी शख्सियत कि आप अब हर काम खुद करने लगते हैं. और सेकेंड ईयर में हमने खूब मज़े भी किए, पढ़ाई भी की और वॉल क्लासेस भी किए, KTS के पराठे भी खाए और एम्बुलेंस में भी गए. जो इस्लामियंस देख रहे हैं वो सब जानते होंगे कि KTS के पराठे से मेरा क्या मतलब है. एंड देन द लाइफ ऑफ इस्लामिया कॉलेज केम टू एन एंड. बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ाई को भी तवज्जो दे ज़रूर. अगर शरारतें या कुछ मज़े करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मगर पढ़ाई को ज़रूर तवज्जो दें और गलत दोस्तों से अपने आप को महफूज रखें.